नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम एक पुराने एलईडी बल्ब से एक ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना एलईडी बल्ब। उसके बाद एलईडी बल्ब का ऊपर का कैप हम खोल देंगे। खोलने के बाद एलईडी बल्ब का ये जो नेगेटिव तार है, इस तार को भी हम खोल देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक BT134 ट्रैक। उसके बाद इस ट्रैक का टर्मिनल वन पिन हम एलईडी बल्ब के इस नेगेटिव तार के साथ और ट्रैक का टर्मिनल टू पिन हम इस एलईडी पैनल के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K रजिस्टर और एक DB3 डायक। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस एलईडी पैनल के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस डायक को हम इस ट्रैक के गेट पिन के साथ और इस 100K रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा और एक LDR। उसके बाद ये दो तार का टुकड़ा हम इस LDR के ये दो पिन के साथ और इस ट्रैक के टर्मिनल वन और इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम इस LDR को एलईडी बल्ब के बाहर की तरफ गम से ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।